दोस्तों आज इस प्रोग्राम में हम आपको लेके चलते हैं कायदे अवाम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाड़काना कैंपस, जहां सहारो ऑर्गेनाइजेशन के तहत सहारो एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की वर्कशॉप मुनक्कद की गई। इस वर्कशॉप के सेशन में न सिर्फ तुलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की बल्कि बढ़ चढ़कर इस इंटरेक्टिव वर्कशॉप में हिस्सा भी लिया और अपने सवालों के जरिए इसे और भी इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बना दिया। हमारी इन तमाम वर्कशॉप का मकसद न सिर्फ स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सही डायरेक्शन और करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करना है बल्कि उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल जॉब के लिए भी तैयार करना है। इस इंटरेक्टिव वर्कशॉप को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम अपने पार्टनर्स SSDP और रीट के इंतहाई मशहूर हैं और डॉक्टर खलील जिब्रान अब्बासी और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस वर्कशॉप के हाईलाइट, और अगर आप भी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये वर्कशॉप अरेंज करना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कीजिए। हमारा फोन नंबर, हमारा ईमेल और हमारी वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन आपके काम नहीं है, प्रैक्टिकल स्किल्स गेन कीजिए, जितना कर सकते हैं ये आपके काम आएगा। ठीक है, एम्प्लॉयर सबसे पहले एक्सपीरियंस देखता है, आपकी सीवी में एक्सपीरियंस का खाना खाली होगा। खाली एक्सपीरियंस गेन कीजिए, चाहे आप जितने इंटर्नशिप करें, चाहे फ्रीलांस प्रोजेक्ट कीजिए, चाहे फ्रीलांस प्रोजेक्ट कीजिए, लेकिन अपनी फील्ड से हिसाब से। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, सिविल कर रहे हैं, सिविल के प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाजमी है, लाजमी। अब आपको क्या लिखना है अपने ऑब्जेक्टिव में, आपको स्पेसिफिक आपको तीन लाइनों में, जैसे उसने अपना कैरियर खोल के बता दिया आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं आपकी होली से एक पॉजिटिव आई मानी तो होलिया बहुत जरूरी है। होलिया पहला क्वेश्चन आपसे लड़ा है, the session was quite good, we got a lot of knowledge from that. The sir told us about our resumes, our CVs, and how to make them, and about our interviews. Like, अबे बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि हम लोगों को इंटरव्यू के बारे में नहीं पता होता कि किस तरह देते हैं. And after our graduations, we don't know that how to make our CVs. So, इस session से हमें ये चीज़ तो quite clearly पता चल गई कि हमें CV किस तरह बनानी है, हमें इंटरव्यू किस तरह परफॉर्म करने हैं, और हाउ टू आंसर इज अवर क्वेश्चन ना, तो हमें अपने क्वेश्चन को किस तरह जवाब देने हैं। एंड थ्रू दिस की शायद अब हम लोग अपने इंटरव्यूज काफी जो है ना हम लोग कॉन्फिडेंस से दे पाए, बिफोर दैट शायद हम लोग इस तरह नहीं दे पाते। सो आई शुड सजेस्ट कि इस तरह के सेशंस होने चाहिए एंड स्टूडेंट्स शुड नो दैट हाउ टू मेक योर CVs एंड डू योर इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग। अपने आप को डेवलप करने का अपनी इंग्लिश स्किल्स पे काम कीजिए, जरूरी है। मैं इसलिए नहीं कि इंटरव्यू की बात है, लेकिन आगे दुनिया में आपको जगह जगह पे इसका वास्ता पड़ेगा, तो कब तक आप इस चीज से लड़ेंगे। मेरी पहली मेरी सजेशन ये है अपनी सबके साथ, आप सबके लिए अपनी इंग्लिश स्किल्स पे काम कीजिए, प्लीज काम कीजिए, लॉन्ग टर्म की चीज आपके लिए लाजमी हो जाएगी। ऑन योर ओन, ठीक है, आप जिन कंपनीज में मुलाजमत करने के लिए जाएंगे वहां के मालिकों ने इसी फॉर्मूले पे अमल किया था, दे डिड ऑन देयर ओन, और फिर उसके बाद आप जैसे इंजीनियर्स को मुलाजिम रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से आगे बढ़ के इनिशिएटिव लिया मसायल को हल करने का, हम लोग ये नहीं करते, हमारी सिर्फ एक फिक्स फोकस अप्रोच है कि जॉब एंड दैट्स इट। अच्छा, अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू का माहौल खराब हो गया है, अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा, इंटरव्यू का तरीका या उसका रवैया सही नहीं है, पोलाइटली थैंक यू कीजिए, पोलाइटली वहां से उठिए, पोलाइटली वहां से चलिए। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन हो या फिर बैकग्राउंड के बारे में हो, आप जो अपने आप को एड्रेस करना हो, वो कैसे मना हम शो करें एक अच्छी सीवी में, और सर ने हमें बताया कि एक अच्छा इंटरव्यू कैसे दिया जाए, उसमें आई कॉन्टेक्ट होता है, आई कॉन्टेक्ट मस्ट बी
फेस टू फेस विद इंटरव्यूअर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सर हारिस मस्तूरी साहब हु अरेंज दिस प्रोग्राम फॉर अस एंड रियली सहारा फाउंडेशन एंड रियली दिस वाज अ वेरी very informative section for us and all the students in which we learned about the our career progressions as well as the appearance in the jobs and we also learned for the, about the interview as well as the communication skills that how we face the public and isme humne bahut sara kuch sikha jisme humne interviews ke bare mein sikha और अपनी सीवीज के बारे में सीखा कि हमें अपनी सीवी कैसे बनानी चाहिए और जैसे कि हम इंटरव्यू में पेश करना चाहें तो वो उनको उनके लिए अट्रैक्टिव साबित हो एंड रियली दिस वाज अ वंडरफुल सेक्शन आई एम वेरी थैंकफुल। हेलो दिस इज मी खलील जिब्रान अब्बासी फ्रॉम लड़खाना आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच सहारो फाउंडेशन with the collaboration of Sindh Skills Development Program they have arranged very wonderful session here and the facilitator of the session Mr. Haris Khan is fabulously fine. He described each and everything concerned with the topic wonderfully the best and the session that was considered is the most informative the most interactive session than of the rest. We have been conducting number of sessions here workshops, seminars, conferences. This may be, but I'm 100% sure, considered as the best session than the rest. The students enjoyed a lot, and even we, being English teacher, have learned a number of things from today's event. We are really very much thankful to SSDB and the Sahara Foundation that they have given such opportunities to be people and have provided such platform in Larkana. Thank you very much. उसमें तो जो आप लोग पिछले चार साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं वही चीज आपसे पूछी जाएगी। मैं आपकी किस चीज में हेल्प कर सकता हूं? दूसरे वाले क्वेश्चंस में जो होते हैं आपकी सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से, ठीक है? सभी तो अलग अलग किस्म के क्वेश्चन क्यों, एक ही किस्म के क्वेश्चन क्यों नहीं, उसकी वजह मैं बताता हूं क्यों। देखिए, एक बंदा जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है जरूरी नहीं है कि उसमें लीडरशिप स्किल्स भी हो, सही है? जरूरी नहीं है कि उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो, जरूरी नहीं है कि वो टीम प्लेयर भी हो। एम्प्लॉयर को ऑलराउंडर चाहिए होता है जिसमें टेक्निकल्स भी हो, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स भी हो। अब फॉर एग्जांपल आप लोग जो हैं वो टेक्निकल स्किल्स में A1 सबसे बेहतर है, लेकिन एम्प्लॉयर को एक ऐसा शख्स मिल रहा है जो टेक्निकल्स में भी माहिर है और जो सॉफ्ट स्किल्स में भी माहिर है, वो किसे प्रेफर करेगा? वो ऑलराउंडर का प्रेफर करेगा जिसमें दोनों फैसेट हो, दोनों खूबियां पाई जाती है। आपको जॉब ना देनी होती ना तो वो आपसे ये सवाल ही ना पूछे, ठीक? वीकनेस पूछने का मकसद वो असल में देखना चाहता है कि आप खुद अपने बारे में कितना जानते हैं। जॉब को तो आप बाद में जानेंगे, आप अपने बारे में कितना जानते हैं। तो वीकनेस का जवाब बेझिझक दीजिए, लेकिन आपकी वीकनेसेस आपकी जॉब को अफेक्ट ना करें। वीकनेस जो बताएं सोच समझ के बताएं। वाइज भी हाई का मुख्तलिफ जवाब इसके हो सकते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो ये, आप उन्हें ये बताएंगे कि जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है मेरा प्रोफाइल उससे कंप्लीटली मैच करता है, ठीक है? इसलिए मुझे ये जॉब, क्योंकि जो बंदा आपको चाहिए वो सारी रिक्वायरमेंट्स मेरे अंदर मौजूद है, इसलिए मुझे आया। या अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा स्किल सेट है या अचीवमेंट है, बताइए कि सर जो बाकी कैटेगरीज हैं उनके मुकाबले मेरे पास ये, मेरी CGPA हायर है या मैं इन प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे जॉब। अपनी अपनी स्ट्रेंथ की बेसिस पे सवाल का जवाब।